सरकार डाटा छुपा रही है, मंत्रालय को खुद अपना इस्तीफे की पेशकश कर देनी चाहिए थी। हजारों लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं कि अभी तक जितने भी रिहायशी ट्रेन हैं उनकी टक्कर क्यों नहीं हुई। दोनों ने रेल घटना के बाद, दुर्घटना के बाद नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा रेल दुर्घटना हिंदुस्तान में हुआ। रेल मंत्रालय को खुद अपना इस्तीफे की पेशकश कर देनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से हजारों लोग, सरकार डाटा छुपा रही है, 1000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई है, हजारों लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिनका पता नहीं वो जिंदा रहेंगे कि मरेंगे, और नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं। मैं स्पष्ट उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अभी तक जितने भी रिहायशी ट्रेन हैं उनकी टक्कर क्यों नहीं हुई, आपने सुरक्षा की जांच क्यों नहीं की, कहां लापरवाही हुई। यही भाजपा है। जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे और इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे, दोनों ने रेल घटना के बाद, दुर्घटना के बाद नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। यही वो हिंदुस्तान है, लेकिन आज इनको जनता के दुख से ज़्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी। मैं स्पष्ट आप मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि अगर भाजपा इस्तीफा नहीं देती है तो जन अधिकार छात्र परिषद और जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता उड़ीसा वासियों के लिए और उड़ीसा के उस ट्रेन में देश के कोने कोने से जो लोग बैठे हुए थे उनके लिए हम लोग मरने को तैयार हैं, अनशन पर जाने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से ये रेल दुर्घटना, और मैं स्पष्ट बता दूं, ये रेल दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। लगातार आउटसोर्सिंग वाले लोग जो रेलवे में बहाल हैं वो अपने कामों को इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो सरकार के लोग नहीं है, वो आउटसोर्सिंग है। उन्हें 10,000-8,000 रुपया पे खटाया जाता है, इसलिए वो अपने मन से काम नहीं करते हैं। लगातार सरकार के गलत नीतियों और रवैयों के खिलाफ हम लोग सड़कों पे लड़ते आए हैं, लेकिन जिस तरह से 21वीं सदी की देश की सबसे बड़ी दुर्घटना आई है, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं और नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दें, कभी इंजन का वो शिलान्यास करते हैं, कभी वंदे भारत ट्रेन का शिलान्यास करते हैं, कभी कोई डिब्बा का शिलान्यास करते हैं, नरेंद्र मोदी की पूरी जिम्मेदारी है कि नैतिकता के आधार पर वो भी इस्तीफा दें, वो भी मन की बात में आकर कहें कि रेल दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है। और अगर आप नहीं आकर कहिएगा, आप जवाब नहीं दीजिएगा, देश का 140 करोड़ लोग आपसे जवाब मांग रहा है कि आखिर देश में, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी रेल दुर्घटना क्यों हुई। मनीष, 21 साल के बाद ये सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है। अश्विनी वैष्णव जो है वहाँ पहुंचे हैं, फोटो वोटो खिंचाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि आपने कहा था कि टेक्नोलॉजी ऐसी है कि दो ट्रेन आपस में भिड़ नहीं सकती है, लेकिन ये घटना हो गई जिसमें हजारों लोगों की जाने की। देखिए, ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी उसी समय इस टेक्नोलॉजी को लाया गया था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने पास ही नहीं किया, जिसकी वजह से देश में इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई है। और मैं स्पष्ट बता दूं, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बनता जा रहा है। भाजपा इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाएगी। 10 लाख रुपया क्या होता है मृतक के परिजनों को? मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपया दो, और उसके बाद जो भी घायल लोग हैं उसको 50 लाख रुपया दो। किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया है, वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए, उनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर इस मांग को नहीं माना जाता है, और जब फोटो खिंचवाने गए हैं, हिम्मत अगर है हिम्मत रेल मंत्री को, तो दे इस्तीफा। लाल बहादुर शास्त्री ने, जो देश के तीसरे रेल मंत्री हुए, नीतीश कुमार जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है, इन लोगों ने अपने इस्तीफे की पेशकश की और इस्तीफा दिया था इतनी बड़ी घटना पे। अगर है हिम्मत तो रेल मंत्री इस्तीफा दे और कबूल करे कि हमारी गलती है और इस गलती की वजह से हजारों लाखों लोगों की जान गई है।